दोस्तों, तुम्हारा भाई आ गया तुम्हें एंटरटेन करने के लिए। और तुम्हारा भाई आज बनाने वाला है खाना, ठीक है? खाना 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 आपका भाई बनाएगा खाना आज घर में। मैं खाना बनाने वाला हूँ तो आपको मैं बताऊँगा कि खाने में क्या क्या बनाऊँगा, ठीक है? सबसे पहले हम चावल बनाएंगे, उसके बाद हम बनाएंगे सब्जी, दाल या कुछ भी। और आज मैं शायद आपको बता सकता हूँ कि हम गढ़वाली खाना ही बना के दिखाऊँगा तुम्हें, जो हमारे गढ़वाली में बनता है। मीन्स आलू की खिचौनी, आलू की खिचौनी, ठीक है? तो बने रहिए मेरे साथ साथ देखते रहिए कार्तिक के कलेश, देखते रहिए, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं, हम क्या बनाएंगे। सबसे पहले मैं अपना निकालता हूँ चावल, उसके बाद कुकर, फिर पानी। आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है, कि आप मेरे को देखो, फिर मैं बता नहीं पाऊँ ना, मैं डिस्टेंस थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप एक हाइजीन का भी ध्यान रखेंगे और एक कपड़ा भी ले लेंगे, तो लिए आपको पसीना आएगा या हाथ पोंछना होगा तो इससे पोंछ सकते हो, ठीक है? सफाई का ध्यान रखते रहेंगे पूरा, क्योंकि खाना हमें ही खाना है, किसी और को नहीं खाना, या हमारे रिश्तेदार को नहीं खाना कि हमें उसे खिलाना हो तो हम कैसे बना के खिला दें, हमें खाना, इसलिए ज़्यादा ध्यान रखिए खाने। दूसरों को भी खिलाओगे तो उसके लिए भी ध्यान रखिए और अपने लिए भी ध्यान रखिए खाना। ये जो मैंने आपको बताया था क्या, आलू की खिचौनी, जो आप ध्यान रखिए, ठीक है? हमारे घरवाली में बनाते हैं आलू की खिचौनी, तो वो बनाएंगे आज। पसीना पूछ लेते हैं कि पसीना मेरा गिर ना जाए सब्जी में और सब्जी ज़्यादा नमकीन ना हो जाए, ठीक है? चलो भाई स्टार्ट कर दे दोबारा फिर अपनी सब्जी बनाना। उसके लिए आलू प्याज टमाटर मिर्ची सारे मसाले देखते रहना कि मैं क्या करूँगा, ठीक है? तो आपको ऐसे तो पता ही होगा जो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिनको नहीं पता होगा तो देखते रहिए मैं क्या करूँ। आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, ठीक है? मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड से, तो वही मेरी मम्मी गई थी गांव, मम्मी पापा गए थे गांव कुछ काम के, तो तुम्हारे भाई ने तो मम्मी और पापा लेकर आए हैं गांव से आलू, जो गांव के आलू होते हैं बेसिकली, देखो जो खेती जो कहते हैं ना बिना इंजेक्शन के छोटे छोटे ये होते हैं, मतलब होते बड़े भी आते हैं वहाँ पर, लेकिन ये छोटे छोटे हैं, ये गाँव के आलू है देखो, जो बेसिकली उन्होंने खेती करी थी मेरे मामा और उन्होंने, तो नाना ने या मामा ने उनके वहीं से लेकर आए हैं, ठीक है? मैं बनाने जा रहा हूँ आज। और हम इनको छिलके के बिना भी खा सकते हैं, छिलका बिना उतारे, जैसे भी इतना छोटा है इसका छिलका कैसे उतारोगे, है ना? तो इसको छिलके के समेत भी खा सकते हैं। पन्नी आपने देखा होगा, अब आपने देखा मैंने आलू डाली पन्नी में, इसलिए क्योंकि मेरे को उसे ना कूटना है और इसके ना कचुम्बर सा बनाना है, ठीक है? अब देखो मैंने तो बड़ा सा कुछ ले लेंगे, मैं सिलबट्टा ले लेता हूँ।
देखो तुम्हारा भाई अब जा रहा पानी डालने, दिखाता है तुम्हें कैसे है। देखो अभी ये है सूखा, ठीक है सूखा है, अब इसमें डाल दूंगा पानी में, मैंने डाल दिया पानी, अब ये सूख जाएगा और आलू को पका देगा, आलू भी पक जाएगा अच्छे से, और तुम्हारे चावल मैंने बनाए दिए हैं और अब तुम्हारा वो बन चुका है, ठीक है, और रेडी होता है उसके बाद मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसा बना है वो, ठीक है रेडी होने के बाद बताऊंगा तुम्हें कि कैसा बना है, अभी मैंने कर दिया है इसको। हमने ढक दिया, चलते हैं इसको वेट करते हैं कब तक रेडी होगा, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि कैसे बना, ठीक है। और जब तक के लिए मैं अपने लिए सलाद काट लेता हूँ, जैसे प्याज हो गया और खीरा हो गया ये, क्योंकि ये खाना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, तुम्हारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, जो तुम प्याज और खीरा वगैरह खाते हो, तो नहीं खाते तो खाना स्टार्ट कर दो, बहुत अच्छा है तुम्हारे, हार्मफुल है तुम्हारे लिए, नहीं बहुत अच्छा है तुम्हारी सेहत के लिए, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर, तब मैं रेडी करता हूँ अपना वो खीरा वगैरह। कम फ्लेम में रख रखा है कि जल्दी धीरे धीरे करके उबाल आए, उबाल आके वो पक जाए, आलू ही पक जाए जो है स्टीम की वजह से, जैसे मोमोज खाते हो गया वो भी स्टीम की वजह से अंदर पकता है ना, ऐसे आलू ही पक जाएगा स्टीम, जो उसकी भाप की वजह से पकेगा, ठीक है। तो जब तक ले वेट कीजिए और देखते रहिए कार्तिक के कलेश। तो फाइनली दोस्तों देख लो तुम्हारा भाई खाना बना चुका है और अब डाल रहा है खाना प्लेट में, सर्व कर रहा है, ये चावल बन चुके हैं तुम्हारे भाई के, चावल सही बने, मेरे को लगा पानी ज़्यादा हो गया होगा लेकिन नहीं, चावल सही बन रखे हैं। चलो जल्दी खाते हैं, सर्व करता हूँ उसके बाद।